इंडिया गठबंधन के प्यारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, जो अब एक साथ टीम में जाके शिकार कर रहे हैं। प्रेस के हमारे मित्रों कहना पड़ता है, मगर ये हमारे मित्र नहीं है, ये मोदी जी के मित्र हैं। 24 घंटा उनका काम करते रहते हैं। इन बेचारों की गलती नहीं है, इनको सैलरी की जरूरत है तो जो इनसे कहा जाता है ये करते हैं। मालिक इनके अदानी है, रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में। अच्छा, अभी आपने कहा कि आपकी 250 गाड़ियों को रोका गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 250 रोको, 400 रोको, 1000 रोको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितनी रोकनी है रोको। यहां पे इंडिया गठबंधन की जीत होगी, अखिलेश यादव की जीत होगी, और उत्तर प्रदेश में आप देखना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आप लिख के ले लो, यहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि देश को उत्तर प्रदेश रास्ता दिखाता है, और उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होना है और हिंदुस्तान में बदलाव होना है। इसीलिए डिसीजन भाइयों और बहनों ले लिया गया है, जनता ने मन बना लिया है। आपने देखा होगा 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने अदानी और अंबानी का नाम नहीं लिया। 10 साल हजारों स्पीचें दी, अदानी अंबानी का नाम तक नहीं लिया। मगर अब भैया देखिए, जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने दो मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूं, मुझे बचाओ, अदानी अंबानी जी मुझे बचाओ। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने नाम लिया। अच्छा, उनको यह भी मालूम है कि अदानी जी कौन से टेम्पो में और कैसे पैसा भेजते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रधानमंत्री जी का टेम्पो वाला। तो भाइयों और बहनों, अब बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह आपके ध्यान को इधर उधर ले जाने की कोशिश करेंगे। अगले 10-15 दिन में आप देखना, ये आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश करेंगे, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। आपको भटकना नहीं है। हिंदुस्तान के चुनाव में एक ही मुद्दा है, उस मुद्दे से सारे के सारे मुद्दे निकलते हैं। मुद्दा भाइयों और बहनों ये है, हिंदुस्तान का संविधान। ये जो है, इस किताब ने हिंदुस्तान के गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को अधिकार दिया है। जो भी आपको मिला है, चाहे वो वोट हो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, नौकरी हो, जमीन हो, जो भी आपको हक मिले हैं, इस किताब ने आपको हक दिए हैं। ये गांधी जी और अंबेडकर जी की देन है, और बीजेपी ने मन बना लिया है।
कि अगर वो चुनाव जीते तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को रद्द करने जा रहे हैं। और मैंने और अखिलेश जी ने निर्णय ले लिया है कि इस किताब को बीजेपी छोड़ो दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं छू सकती है, क्योंकि इस किताब में हिंदुस्तान के गरीब लोगों की आत्मा है, भावनाएं हैं, भविष्य है, विकास है। नरेंद्र मोदी जी 22 लोगों के लिए काम करते हैं। भाइयों और बहनों, 22 लोगों का उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को दिया है। भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका नरेंद्र मोदी जी ने कितना कर्जा माफ किया है? किसानों का नहीं किया, मजदूरों का नहीं किया, बेरोजगार युवाओं का नहीं किया, 22 लोगों का किया। हालत यह है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। आप सोचिए, स्टेज में पहली लाइन में तकरीबन 22 लोग बैठे हैं। हिंदुस्तान में ऐसे 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। यह है नरेंद्र मोदी जी का काम। तो हमने निर्णय ले लिया है, कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने, कि अगर वो 22 अरबपति बना सकते हैं तो हम करोड़ों लाखपति भी बना सकते हैं। भाई और बहनों, गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, जनरल कास्ट, माइनॉरिटी, सारे के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, पूरे हिंदुस्तान की लिस्ट बनेगी। जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, ये काम किसी भी सरकार ने, दुनिया की किसी भी सरकार ने नहीं किया है। सारे गरीबों की लिस्ट बनेगी, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे। महीने के 8,500 रुपए, हर महीना 1 तारीख को कटाकट 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 कटाकट, करोड़ों परिवारों के बैंक अकाउंट में। जिंदगी बदल जाएगी। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को मदद की, वैसे ही हम करोड़ों लोगों को लाखपति बनाने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, ये पैसा हर महीने मिलेगा और उस दिन तक मिलेगा जिस दिन तक ये परिवार गरीबी रेखा से नीचे होंगे। जब तक ये गरीबी रेखा के ऊपर नहीं जाएंगे, उस दिन तक हर महीने इनको पैसा मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। ये मीडिया वाले कहेंगे कि देखो, इंडिया गठबंधन गरीबों की आदत बिगाड़ रहा है। मैं इनसे कहना चाहता हूं, जब नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया तो उनकी आदत नहीं बिगड़ी, क्या अरबपतियों की आदत नहीं बिगड़ी क्या? और आपको जो कहना है कहो, जो मीडिया वालों को कहना है कहो, आप कहते हो मोदी जी का जितना फोटो लगाना है लगाओ, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कहते हो। आप हो ही मोदी के, आप अदानी के हो, आप मोदी के हो, आप किसानों के नहीं हो, मजदूरों के नहीं हो, गरीबों के नहीं हो, पिछड़ों के नहीं हो, दलितों आदिवासियों के नहीं हो। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने
करोड़ों युवाओं को बेरोजगार बनाया। कोविड आया, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं से कहा, भाइयों और बहनों थाली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ। और जो मजे की बात आप सुनिए, आपसे उन्होंने कहा थाली बजाओ, और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में जो लोग, जिस कंपनी ने वैक्सीन बनाई, उस कंपनी से बीजेपी ने करोड़ों रुपया लिया, करोड़ों आपका रुपया। नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से लिया। आप मर रहे थे, आपके पास ऑक्सीजन नहीं था, वेंटिलेटर नहीं था, और आपसे वो कह रहे थे थाली बजाओ, और कंपनी वो कह रहे थे हमें पैसा दो। ये नरेंद्र मोदी की सच्चाई है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में साफ लिखा है। भाई और बहनों, बेरोजगार युवाओं के लिए पहली नौकरी पक्की स्कीम है। मतलब समझा देता हूं, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, सरकारी ऑफिसेज में एक साल की अप्रेंटिसशिप मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, और बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए, साल के 1,00,000 रुपए करोड़ों युवाओं के बैंक अकाउंट में जाएंगे। हम रुकने वाले नहीं है। किसानों से कहना चाहता हूं, उन्होंने अरबपतियों का कर्जा माफ किया, हम आपका कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और मजदूरों से कहना चाहता हूं, आज आपको 250 रुपए मिलता है मनरेगा में, आपको 400 रुपए मिलेगा इंडिया गठबंधन की सरकार आने के एकदम बाद। आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं से कहना चाहता हूं, आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, मन बना लिया है, जितना पैसा इन्होंने अदानी अंबानी को दिया, उतना पैसा इंडिया गठबंधन की सरकार हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को देने जा रही है। कर लो जो करना है आपको, आप जो करोगे करो, हम जो करने वाले हम करेंगे। भाइयों और बहनों, एक बात याद रखो, चुनाव में 10-15 दिन बचे हैं, मगर एक बात गारंटी करके लिख लो, हमने जो काम करना था, अखिलेश जी ने, इंडिया गठबंधन ने, हम सब ने मिलकर पिछले 2 साल से हम काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, न्याय यात्रा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग, हमने जो काम करना था भाई और बहनों, हमने कर दिया है। आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। बात खत्म हो गई है, मीडिया वाले नहीं बताएंगे, मगर याद रखो, कोरोना के बारे में मैंने कहा था, याद रखो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। यहां पे मेरे भाई अखिलेश यादव को भारी बहुमत से जिताना है, सबसे ज्यादा वोटों से जिताना है। इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ताओं मिलकर एक हो जाओ, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी के बखोई, देखो इतना जोश है, आपने छत को भी रोक दिया। शाबाश। तो नीचे से इतनी शक्ति है कि छत भी रोक दी आपने। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।